ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपके घर में कौन काला जादू लेकर आ रहा है, कौन बुरी शक्तियां लेकर आ रहा है, कौन चीज़ें नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहा है, आप ये जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ें इस तरह की लाइफ में हो रही है कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। और आप ये जब प्रश्न पूछते हैं कि कहीं किसी व्यक्ति ने कुछ करवा तो नहीं रखा है, और अगर करवा रखा है तो वो कौन है, और आपके मन में ये प्रश्न कभी ना कभी तो उठता ही होगा। दरअसल ये पूरा माजरा क्या है, ये पूरी बातें क्या है, आज इस वीडियो में आपकी राशि से जुड़ी या आपकी कोई भी राशि हो व्यक्ति की, उनसे ये चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी चीज़ें आपको डराने के लिए नहीं है, ये चीज़ें केवल आपके लिए सकारात्मक उपयोग के लिए और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए। और प्लस एक बात ये याद रखना, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कई सारी भ्रांतियाँ भी दूर हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो पूरा देखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। साथ ही साथ चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात शुरू यहाँ से होती है कि जब हम बहुत दिनों से परेशान होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जब चीज़ें समझ नहीं आती हमें, तब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कहीं किसी व्यक्ति ने कुछ करवा तो नहीं रखा है, और बस बात वहाँ से शुरू इस तरह से हो जाती है कि हम उस प्रश्न को लेकर बहुत बेचैन हो जाते हैं, जैसे कि कई बार उसका हल ढूंढना लग जाते हैं, आपको उसके लिए कई सारी चीज़ें होने लग जाती है और आप वैसा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को दिमाग में मान चुके हैं। तो सबसे पहली और मुख्य बात आप ये हमेशा याद रखना कि बुरे वक्त में जब आप नेगेटिव दौर से गुजरते हैं तो ये प्रश्न आना एक स्वाभाविक चीज़ है। और ये प्रश्न कौन, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमसे मिलने वाले, हमसे प्यार करने वाले लोग, जो अच्छे लोग हैं, तो वो ये प्रश्न जरूर करते हैं कि कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा है, और ये शक शंका हमारे मन में बढ़ती जाती है। पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं करवा सकता है। ये केवल और केवल हमारी एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव एनर्जी को हम इतना ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं कि चीज़ें सब नेगेटिव होती रहती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने मन में ये भ्रम ना बनाएं कि किसी ने कुछ करवा रखा है, ये हो गया वो हो गया, कोई कुछ नहीं करवा सकता। पर आप परेशानी में तो है, इससे बाहर भी तो आना है हमें, तो कैसे बाहर आए आप इस विषय को समझें। ऊर्जा जरूर होती है नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन किसी के द्वारा करवाए द्वारा नहीं होती, वो ऊर्जा खुद हम जनरेट करते हैं। हम जितना नेगेटिव सोचेंगे सब वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहली ऊर्जा है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, मतलब वो नेगेटिविटी आपके आसपास कभी नहीं आई। हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम जप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय के साथ साथ आपका जो भी प्रिय मंत्र हो उनका कंटिन्यू आप जाप करें। इसी से आप बहुत कम समय में अपनी इन हालातों से बाहर आएंगे, और बहुत से जातकों ने इन हालातों से बाहर निकले हैं और आप भी निकलेंगे। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस तरह की मन में कोई भ्रांति न रखें जिससे आपके जीवन में परेशानियां बढ़े। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।